मारुति हैज डिस्ट्रॉयड स्विफ्ट, क्या ये बात सच है? क्योंकि अब हमारे सामने आ चुकी है फोर्थ जनरेशन ऑफ द स्विफ्ट, और इस कार के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद क्या ये बात सच है या नहीं, आज जो है आपको इसके बारे में बताने वाला हूं। स्विफ्ट इंडिया में एक आइकॉनिक कार मानी जाती है, मार्केट में एक रन अवे सक्सेस थी। और अगर हम स्विफ्ट की बात करें तो ये 2004 में एस कॉन्सेप्ट एस एट द पेरिस मोटर शो सबसे पहले सामने आई थी। उसके बाद कॉन्सेप्ट S2 आया एंड देन फाइनली द प्रोडक्शन वर्जन स्विफ्ट लोगों के सामने आ गई। स्विफ्ट को बनाने के पीछे मारुति का एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था, लोगों को एक अफोर्डेबल स्पोर्टियर सब कॉम्पैक्ट कार ऑफर करने का। और ये चीज कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट किया था। कई लोग स्विफ्ट को आज भी मिनी कूपर का कॉपी मानते हैं, वेल ऑनेस्टली ऐसा नहीं है। सुजुकी ने स्विफ्ट को लेजेंडरी हायाबुसा से इंस्पायर होकर बनाया था, और इसी वजह से जो कर्वी डिजाइन आप देखते हैं स्विफ्ट का, वो वहां से आता है, ना कि मिनी कूपर से। इनफैक्ट 2006 में यूरो एनकैप ने इसे 4-स्टार रेटिंग ऑफर किया था। और जैसा कि इसका नाम भी खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सुजुकी हमेशा से ही एक गो कार्ट लाइक ड्राइविंग एक्सपीरियंस एम्यूलेट करना चाहती थी रियल लाइफ में, और वो मासेस तक पहुंचाना चाहती थी। और इसी वजह से स्विफ्ट को डे वन से जिस तरीके से डेवलप किया गया, स्पोर्टीनेस जो है एट दी कोर था, और वही चीज ग्लोबली बहुत इजीली उनके लाइनअप में पर्कुलेट कर गया ऑफ द स्विफ्ट। इंडिया में जब स्विफ्ट को मारुति लेके आई तो ऑलरेडी उनके पास एक फेयर शेयर ऑफ मार्केट था, जहां पे जेन, ऑल्टो एंड वैगनार जैसी कार्स अच्छी खासी डोमिनेंस के साथ चल रही थी। और स्विफ्ट उनके लिए एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था, और एक्सपेरिमेंट के साथ आता है रिस्क, बिकॉज उस टाइम इंडिया का ऑटोमोटिव मार्केट इतना ज्यादा इवॉल्व नहीं था। और जब स्विफ्ट को लॉन्च किया गया तो ये अपने टाइम के हिसाब से काफी ज्यादा एडवांस कार थी। तो हाँ, जहां पे काफी सारी चीजों में मारुति यूजुअली कंजर्वेटिव अप्रोच रखती है, स्विफ्ट के साथ आप कह सकते हैं कि उन्होंने एक रिस्क लिया था एंड इट पेड ऑफ। बहुत ही जल्दी स्विफ्ट जो है इंडिया में पॉपुलर हो गया, और उस टाइम जो 1.3 लीटर का पेट्रोल इंजन आता था, इट वॉज वेरी गुड। इनफैक्ट टिल डेट मुझे लगता है अगर आपको कभी भी फर्स्ट जनरेशन स्विफ्ट चलाने का मौका मिले, या अगर आपने चलाया है, तो आप इस बात से अग्री करेंगे that 1.3 लीटर पेट्रोल इंजन was fantastic। तो लोगों को अच्छी स्पेस मिल गई, फ्यूल एफिशिएंसी जबरदस्त मिल रही थी, अपने टाइम के हिसाब से ठीक ठाक फीचर्स भी ऑफर कर रही थी। एंड स्विफ्ट के हिस्ट्री में स्पेशली इन इंडिया दो बहुत बड़े रिमार्केबल माइलस्टोन हैं। एक वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ द फिएट सोर्स 1.3 लीटर DDIS डीजल इंजन, क्योंकि इस इंजन के इंट्रोडक्शन के बाद स्विफ्ट सिर्फ सिटी के लिए ही नहीं बट रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा पॉपुलर होगी। अगर हम थर्ड जनरेशन स्विफ्ट से फोर्थ जनरेशन स्विफ्ट को कंपेयर करें तो डिजाइन वाइज आपको जो टिपिकल स्विफ्ट का आइकॉनिक सिल्युएट है वो तो देखने को मिलेगा, बट ओवरऑल ये डिजाइन डेफिनेटली काफी ज्यादा शार्प हो गई है। इन पर्सन मुझे भी स्विफ्ट का डिजाइन एक्चुअल में अच्छा लगने लगा, क्योंकि जब हमने सबसे पहली बार इसको फोटोज में देखा था, ये उतनी ज्यादा अपीलिंग नहीं लग रही थी। बट ट्रस्ट मी, अब जाके इसको एक बार शोरूम में या फिर रोड पे सामने से देखें तो आपको ये डिजाइन जो है कहीं ना कहीं अच्छी लग सकती है। स्विफ्ट के डिजाइन में आपको एक कंजर्वेटिव अप्रोच डेफिनेटली दिखेगा। कुछ चीजें हैं जो टिपिकल मारुति स्टाइल में मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया, लाइक सिंपल बेसिक थिंग्स ऑफ अ रियर कैमरा आपको सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन ZXi प्लस वेरियंट में मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वॉश वाइपर की, तो ये सारी चीजें जो है सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में रखा गया है, और ये चीज अब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज स्विफ्ट इज एक्चुअली नाउ अ कॉस्टलियर कार, और काइंड ऑफ बलेनो के साथ ये मैचअप करने लग गई है। वही अगर कुछ अच्छी चीजों की बात करें तो फॉग लैम्प हमें देखने को मिल जाता है, टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट में अवेलेबल है, बट लोअर वेरियंट में आपको जेन्युइन पार्ट्स के रूप में बाहर से लगवा सकते हैं। साथ ही साथ मारुति ने दोनों ही दरवाजों पर रिक्वेस्ट सेंसर दिया है फ्रंट टू डोर्स में, विच इज अ गुड थिंग टू हैव, एंड ऑल्सो प्रोजेक्टर हेडलैम्प इज अ स्टैंडर्ड फीचर अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। एलॉय व्हील्स में भी आपको ZXi में एक सिंपलर लुकिंग एलॉय मिलता है, ZXi प्लस में आपको मिल जाता है डायमंड कट एलॉय। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जहां पे मारुति ने अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश की है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। बट अब आता है द बर्निंग क्वेश्चन, सेफ्टी एंड मारुति सुजुकी, ये दोनों एक साथ नहीं जाता, राइट? हम रिलेट ही नहीं कर पाते। जोक्स असाइड, अगर हम बात करते हैं स्विफ्ट की, तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ अच्छी चीजें हुई हैं।
मुझे गौर से सुनिए क्योंकि ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इवन इफ़ यू लाइक स्विफ्ट यू डोंट लाइक स्विफ्ट, ये चीज़ हमें थोड़ी सी समझनी होगी। सबसे पहले बात तो हम बात करेंगे करेंट स्विफ्ट के सेफ्टी मेजर्स की। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, यहाँ पे हम एक्टिव सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो वहाँ पे डेफिनेटली कुछ इम्प्रूवमेंट हुए हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मारुति ने 6 एयरबैग्स को स्टैंडर्ड किया है, ESP हिल होल्ड जैसे फीचर्स को अक्रॉस वेरियंट्स स्टैंडर्ड किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मुझे लगता है पहले के टाइम पे मारुति बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करती थी, थैंकफुली अब जो है वो कंसिडर करने लगी है। साथ ही साथ मारुति ने जो है यहाँ पे 20 kg से स्विफ्ट का वेट बढ़ाया है। दैट इज़ बिकॉज ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ मारुति ने जो है इसके शैसे को ज़्यादा स्टिफ किया है, विच इज़ अ गुड थिंग। क्रम्पल जोन पे भी काम किया गया है एंड मारुति का कहना है कि स्विफ्ट पहले के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सेफ हो चुकी है, विच इज़ समथिंग जो क्रैश टेस्ट में ही पता लगेगा। बट देन जब भी हम क्रैश टेस्ट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ग्लोबल एनकैप की। ग्लोबल एनकैप पे भी टाइम एंड अगेन क्वेश्चंस आते रहे हैं। इनफैक्ट अभी रिसेंटली एक स्टडी, एक कंपैरेटिव स्टडी के अनुसार ग्लोबल एनकैप में कुछ लूपहोल्स हैं जिसके वजह से एक बेटर सेफ्टी वाली कार को भी लेसर स्टार्स मिल सकते हैं। इस वीडियो में मैं डिटेल में उसके बारे में बात नहीं कर रहा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, जाके पढ़िए, जहाँ पे एक्चुअल में स्विफ्ट की ही बात की गई है ऑफ द थर्ड जनरेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्विफ्ट के सेफ्टी को बढ़िया बता रहा हूँ। इनफैक्ट जब तक कोई एनकैप इसको टेस्ट नहीं करती, आप भी इस बात को ना मानिए दैट मारुति इज स्लोली गेटिंग देयर, लोगों को सुन रही है, सेफ्टी को सीरियसली ले रही है। एक और सवाल यहाँ पे आता है, पैनल गैप्स। अब पैनल गैप सबसे ज्यादा जो विजिबल है क्योंकि हमने मल्टीपल मॉडल्स देखे तो वो है बोनेट में। ट्रस्ट मी वो पैनल गैप सही में, एक तो पता नहीं मारुति ने उतना गैप क्यों रखा है, बट वो इनकंसिस्टेंट नहीं है। अक्रॉस वेरियंट्स अक्रॉस मॉडल वो आपको देखने को मिलेगा, विच इन माई ओपिनियन थोड़ा अजीब है। ऐसा लगता है जैसे उसका बोनेट हमेशा खुला हुआ है, बट ऐसा नहीं है। एंड दिस इज समथिंग जो इजीली कुड हैव बीन रेक्टिफाइड, आई डोंट नो इज इट अ कॉन्शियस चॉइस और नॉट। शायद वो मारुति के डिजाइनर्स के साथ जब बात करेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर मालूम चल पाए। नाउ हियर कम्स अनदर डाउनग्रेड, द इंजन। इज इट रियली अ डाउनग्रेड? वेल ऑन पेपर यस, पहले 4 सिलेंडर आती थी, अब 3 सिलेंडर है, पावर भी 8 BHP कम है, टॉर्क भी 1 Nm कम है। तो जब इतने सारे डाउनग्रेड है तो ऑन रोड इसकी परफॉर्मेंस कैसी है? वेल यू आर इन फॉर अ सरप्राइज, बिकॉज सुजुकी ने इस इंजन को वाकई में बहुत अच्छा डेवलप किया है। 3 सिलेंडर इंजन है, आपको वाइब्रेशन मिलते हैं स्पेशली जब ये इंजन स्टार्ट होती है, एंड बीच बीच में कहीं कहीं आपको वाइब्रेशन फील हो सकते हैं, बट दैट सेड मिड रेंज में आपको वाइब्रेशन नहीं मिलते हैं। एंड कहीं ना कहीं एज अ 3 सिलेंडर इंजन ये बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, मोर ओवर आपको पावर की कमी भी महसूस नहीं होती। एंड मारुति ने अपने प्रेजेंटेशन में कहा था दैट वो सिटी ड्राइवेबिलिटी पे खासा काम करी है, और ये चीज़ यहाँ पे एविडेंट है, बिकॉज जब आप इसको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में या इन जनरल सिटी ड्राइविंग कंडीशंस में चलाते हैं तो ये कार में कोई लैग फील नहीं होती है। इवन इफ द पावर आउटपुट इज लेस, ओवरऑल द इंजन फील्स लाइवली, वो डलनेस नहीं है। बट दैट सेड हाँ, टॉप एंड में थोड़ा सा आपको लैग फील डेफिनेटली होगा, इतना हमने भी नहीं सोचा था, बट दिस जी सीरीज इंजन इज एक्चुअली अ गुड इंजन। सुजुकी बीइंग सुजुकी, इसके रिलायबिलिटी पे भी मुझे कोई एज सच डाउट नहीं है। गियरबॉक्स स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टीयरिंग फीडबैक बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, जितना स्पोर्टीनेस को मारुति हाईलाइट करती वैसा कुछ स्पोर्टीनेस जो है एज सच हैंडलिंग में नहीं उभर के आता है। यस, एजिलिटी जो है वो लगती है बिकॉज ऑफ द ओवरऑल फॉर्म फैक्टर, जिस तरीके से मारुति उसको ओवरऑल एज अ कार डेवलप करती है, बट स्टीयरिंग इज नॉट समथिंग जो मैं कहूँगा कि ओवर द टॉप स्पोर्टी है। बट देन दैट सेड द सस्पेंशन आर वेरी गुड, आप इसको रूरल एरिया में भी चलाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो ऑन पेपर देयर इज अ कॉम्प्रोमाइज, बट ऑन रोड इट डजंट फील सो। और ये जो कॉम्प्रोमाइज है हमें आगे आने वाले टाइम में और भी कार मेकर्स के साथ देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ द एमिशन नॉर्म। ये एमिशन नॉर्म्स और स्ट्रिंजेंट होते जाएंगे, कंपनीज को जो है सिलेंडर्स कम करने पड़ेंगे, पावर कम करनी पड़ेगी, बिकॉज टू मीट दोज एमिशन नॉर्म्स कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इफेक्ट होंगी। एंड एज एन एंथुजियास्ट इट इज इन द बेस्ट थिंग, बट देन फॉर द एनवायरमेंट इट इज, तो उसी के साथ जो है हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये है नए स्विफ्ट का इंटीरियर, और अगर हम ओवरऑल इंटीरियर की बात करें तो देखो जो जापानीज मॉडल है उससे ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ कलर स्कीम, क्योंकि यहाँ पे मारुति ने जो है एक ऑल ब्लैक इंटीरियर थीम को चुना है, जबकि जो ग्लोबल मॉडल्स हैं उसमें आपको एक लाइटर शेड ऑफ बीज का नीचे की साइड में इस्तेमाल मिलता है। बट दैट सेट काफ़ी सारे बिट्स एंड पीसेस जो है आपको
टिपिकल मारुति के देखने को मिलने वाले हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम स्विच गियर्स की बात करें, टिपिकल मारुति के हैं, यहाँ पे ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, तो यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप मिलता है। हालांकि ये ZXi में भी मिलता है, बट दिस इज ZXi प्लस। स्टीयरिंग की बात करें तो टिपिकल मारुति का ही स्टीयरिंग है, जो हमने पहले भी स्विफ्ट में देखा है। ये थोड़ा प्रीमियम फील देता है, बट ऑनेस्टली इसमें स्क्रैचेस बहुत आएंगे। क्रूज कंट्रोल आपको मिल जाता है, जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी काइंड ऑफ आपको बढ़िया मिलता है। आई मीन टिपिकल एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बो है, बट दिस लुक्स डेफिनेटली गुड। बात करते हैं हम यहाँ पे जो इन्फोटेनमेंट यूनिट है, तो इन्फोटेनमेंट वही जो विटारा ब्रेजा स्मार्ट प्ले प्रो प्लस जो भी है उसका ही है। जो चीज़ मुझे एक्चुअल में इसको लेके प्रॉब्लम है ना, वो है ये बेजल्स। मतलब यार 2024 और आप आज भी इसमें अगर इस टाइप के बेजल्स दे रहे हो, वो थोड़ा सही नहीं लगता। और ये तो चलो ठीक है, अगर आप VXi मॉडल देखोगे तो उसमें तो और भद्दा सा लगता है, क्योंकि छोटा सा 8 इंच का स्क्रीन है और बाकी सब तरफ बेजल्स हैं। तो ये चीज़ को डेफिनेटली मारुति बेटर कर सकती थी। बाकी स्क्रीज गियर्स की बात करें तो ये बलेनो में भी आपने इस टाइप का देखा है। इसकी ना टैक्टाइल फील्स काफ़ी अच्छी है, टैक्टाइल फील की बात करें तो अच्छी है, ऑटोमेटिक है। आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं गियर नॉब की, तो ये वही है, वैगन आर में देख लो, स्विफ्ट में देख लो, सेम यूज़ होता है। 24 आ चुका है भाई, इसको कर लो चेंज, गुड थिंग। यहाँ पे आपको एक छोटा सा कभी होल मिल जाता है, और साथ ही आपको मिल जाते हैं 2 USB पोर्ट, एक टाइप ए और एक टाइप सी, विच इज़ गुड थिंग। ग्लव बॉक्स की अगर बात करें तो एनफ स्पेस है, डिसेंट एनफ स्पेस है, तो एज सच आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। टॉप ऑफ द लाइन मॉडल में अब इसकी कीमत भी बढ़ चुकी है, बट यहाँ पे आपको अभी भी मैनुअली एडजस्टेड IRVM मिलता है, और कोई भी सन ग्लास होल्डर वगैरह नहीं मिलता है। सीट्स की बात करें तो सीट्स देखो ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ तो बढ़िया है, सच कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज कुशनिंग वगैरह सही है। बट ओवर द कोर्स ऑफ टाइम हमने देखा ये थोड़ी सी ना सॉफ्ट सी हो जाती है। फिलहाल मुझे लगता है ऐसा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग एक ऐसी सीट है जो बड़े कदकाठी के लोगों को भी बहुत ही आराम से यहाँ पे सीट कर लेगा, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओवरऑल आई थिंक अगर इंटीरियर के फ्रंट सीट में बैठ के मैं बताऊं, तो लगता है कि आप एक टिपिकल मारुति के कार में बैठे हुए हो। स्विफ्ट है, उसकी भी आपको फील आएगी, काफ़ी सारे बिट्स एंड पीसेस वही पुराने वाले ही हैं अभी भी। जैसे ये प्लास्टिक के पार्ट्स है, अगर इनके क्वालिटी को थोड़ा बेहतर किया जाता ना, तो शायद मैं ज़्यादा खुश होता। बट दैट सेड, मारुति ने यहाँ पे काफ़ी सारे निफ्टी फीचर्स दिए हैं, जैसे वायरलेस चार्जर दे दिया है। ये सारी जो चीज़ें हैं आपको सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन मॉडल्स में मिलेंगे। बट स्टोरेज स्पेसेस बहुत है भाई इस गाड़ी में, यहाँ पे आप बॉटल रख सकते हो, यहाँ पे भी आप फ़ोन के अलावा भी अगर आप रखो चीज़ें तो रख सकते हो। यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, डोर पॉकेट्स में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। तो ओवरऑल आपको स्पेस की कमी इस कार में नहीं होने वाली है, आई मीन स्टोरेज स्पेसेस की कमी। तो फाइनली आंसर क्या निकला, Has Maruti destroyed Swift? Well, in my opinion, no. Overall, on paper, ये downgrade ज़रूर है। काफ़ी सारे areas में जो है आपको लगेगा कि हाँ ये थोड़ी सी तो down गई है, especially in the engine aspect. But that said, Maruti ने safety पे काम किया है, Maruti ने features को add किया है। Also, जब destroyed वाली word का हम इस्तेमाल करते हैं तो एक major reason आता है, that is price. Because now, Swift is significantly more pricier. काफ़ी सारी चीज़ों में जो है मारुति को अब ना चाहते हुए भी एडिशन करना पड़ा है, एंड दैट मीन्स दैट द प्राइस पे वो रिफ्लेक्ट होगा। और अब क्योंकि बलेनो को एज सच कोई सिग्निफिकेंट अपग्रेड नहीं मिला है, तो ये स्विफ्ट जो है अब उस कैटेगरी में जाने लग गई है। और आज भी मुझे लगता है कि बलेनो माइट बी अ बेटर चॉइस अगर आप उसी बजट में कार लेने जा रहे हो, बट ये ज़्यादा दिन तक नहीं हो सकता है, बिकॉज मे बी शायद आने वाले टाइम में बलेनो की भी प्राइसिंग में सिग्निफिकेंट इजाफा हो सकता है। कई जगहों पे कमियां डेफिनेटली है, एंड उन चीज़ों को मारुति को डेफिनेटली आयरन आउट करना चाहिए, एंड ऑल्सो उनको थोड़ा और प्रोएक्टिवली अपने सेफ्टी को लेके बात करना चाहिए। बट इवन इफ नॉट ग्लोबल NCAP, लेट्स होप दैट वो भारत NCAP में अच्छा करे, बिकॉज जब भारत NCAP में वो अच्छा करेंगे तो कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट फैक्टर है वो काफ़ी लोगों का बढ़ेगा ऑन मारुति सुजुकी। नॉट दैट अभी नहीं है, रिलायबिलिटी फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में इट्स स्टिल ऑन द टॉप, सो इट बिकम्स एवर सो मोर इम्पॉर्टेंट टू फोकस ऑन दैट एस्पेक्ट एज वेल। एंड टू कंक्लूड, हैज स्विफ्ट बीन डिस्ट्रॉयड? नो, इट हैज नॉट। आप ये कह सकते हैं कि इट हैज इवॉल्व्ड इनटू अ न्यूअर फॉर्म, कीपिंग द बेसिक्स ऑफ द स्विफ्ट राइट, जो फर्स्ट जनरेशन से अभी तक बरकरार रही है। सो यस, दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप कि आपको पसंद आया। अगर ये डिटेल वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड ऑलवेज ड्राइव सेफ। नमस्कार।